इंदौर में सूर्योदय के साथ ही रेवती रेंज में 11 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू हो गया। सूर्योदय होते ही शंखनाद के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मेयर पुष्प मित्र भार्गव ने पौधे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पौधे लगाए। हालांकि बारिश के कारण आयोजन स्थल पर थोड़ा कीचड़ भी हो गया, लेकिन बारिश भी इन लोगों का उत्साह कम नहीं कर पाई। शहर के विभिन्न संगठन, संस्थान व शहरवासी शाम 6 बजे तक 11 लाख पौधे लगाएंगे और इंदौर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड आसान सरकार के नाम पर है। वहां एक दिन में 9,26,000 पौधे लगाए गए हैं। बता दें कि 11 लाख पौधे एक साथ लगाने के अभियान में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। उनके आगमन के मद्देनजर सुपर कॉरिडोर, वीआईपी रोड, अरविंदो अस्पताल तक भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। मंत्री शाह दोपहर में अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में जाएंगे। वहां भी मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर यादव भी शामिल होंगे। इसके अलावा वे पितृ पर्वत पर भी जाएंगे, वहां वे भोज करेंगे, वहां भी वे पौधे लगाएंगे। उनके आगमन के मद्देनजर शहर के विभिन्न मार्गों पर होर्डिंग व कट आउट लगाए गए हैं। रेती रेंज पर शनिवार शाम कलेक्टर आशीष सिंह और निगमायुक्त शिवम वर्मा, अपर आयुक्त दिव्यांग सिंह ने भी गेती चलाकर गड्ढे खोदे। इसके बाद अन्य अधिकारी भी श्रमदान में जुट गए। 14 जुलाई को टेकरी के चढ़ाई वाले हिस्से में बीएसएफ पुलिस और स्काउट गाइड के सदस्य पौधे लगाएंगे। कई स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी भी वहां आएंगे।